सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। पाकिस्तान से लगे लाइन ऑफ कंट्रोल से एक वीडियो आया हुआ है। इस वीडियो में पाकिस्तान के सैनिक सफ़ेद झंडा दिखा करके अपने मारे गए जवान को ले जा रहे हैं। सफ़ेद झंडा दिखाने का मतलब ये होता है कि आप हम पर फायरिंग ना करें, हमारा जवान शहीद हो गया है, उसको हम ले जाना चाहते हैं। दरअसल भारतीय फ़ौज ने पाकिस्तान की तरफ से लगातार होने वाली गोलीबारी का जवाब दिया था और 10 और 11 तारीख को पाकिस्तान के एक सैनिक को मार गिराया था। उस सैनिक का शव ले जाने के चक्कर में जब एक सैनिक आया तो उसको भी मार गिराया। इसके बाद दो दिनों तक पाकिस्तानी फ़ौज लगातार ये कोशिश करती रही कि वो दोनों शव उठा करके लेकर जाए, लेकिन भारतीय सेना की मुस्तैदी ऐसी थी और ताबड़तोड़ गोलियां चलती थीं, कोई भी लेने के लिए आता था, कि यह संभव ही नहीं हो सका कि वो अपने दोनों सैनिकों के शव लेकर के जा पाएं। आखिरकार पाकिस्तानी फ़ौज ने यह तय किया कि सफ़ेद झंडा दिखाया जाए और फिर अपने सैनिकों के शव को लाया जाए। आप देख रहे हैं कि शव जो है, दो लोग हैं, एक आदमी झंडा लिए हुए है, दूसरा आदमी शव लेकर के जाता है। जब वो नज़दीक पहुंच जाता है तो दो और सिपाही उधर से दौड़ करके आते हैं और वो फिर शव को लेकर के चले जाते हैं और फिर झंडा जिसने पकड़ रखा है और जो लाश लेकर के जा रहा था, ये दोनों लोग फिर नीचे आते हैं दूसरे शव को लेने के लिए और फिर दूसरा शव भी लेकर के जाते हैं। इस तस्वीर के बाद ये साफ हो गया है कि पाकिस्तानी फ़ौज उस पार से लगातार गोलाबारी करती रही है और भारतीय फ़ौज जब जवाब देती है तो मारे गए सैनिक उसके अपने सैनिक थे, क्योंकि भारत जब भी उनके सैनिकों और आतंकवादियों को मारता है और कहता है कि आप शव ले जाइए तो पाकिस्तान मना कर देता है कि ये हमारे लोग नहीं हैं। लेकिन इस वीडियो ने ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के सैनिक लगातार सीमा पार से गोलीबारी करते हैं, वो युद्ध विराम का उल्लंघन करते हैं और जब भारतीय सेना जवाब देती है तो मारे जाते हैं, उनको नुकसान होता है। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।